सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत थाना क्षेत्र के डबरखा पंचायत वार्ड नंबर 3 में जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी की खबर है। गांव में जमीनी विवाद को लेकर अपराधियों ने राजीव यादव नामक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। पीड़ित राजीव यादव ने बताया कि गांव में जमीनी विवाद को लेकर डबरखा गाँव का रहने वाला बीरेंद्र यादव ने शाम के समय बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाशों के साथ मिलकर पहले दरवाजे पर आकर गाली गलौज की, बाद में गोली चला दी। गोली राजीव यादव के जांघ में जा लगी, जिससे वो घायल हो गया, जिसे एहतियातन इलाज के लिए परिजन द्वारा त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। बाद में स्थिति नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार कर सुपौल सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर SHO संदीप कुमार सिंह ने पूरे मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही है। पुलिस जांच में जुट गई है, हालांकि अब तक प्रकरण में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। सर, हम दरवाजे पर बैठे हुए थे, उधर से वो आया मोटरसाइकिल से 3 आदमी, गाली गलौज करने लगा, इसी को बोले जाइए आप अपना घर। तो कौन आया, कौन, क्या नाम था उसका? अमरेंद्र यादव, और दो आदमी था उसको मेरे पास। उसका क्या नाम है? किसका था? और 3 आदमी था, क्या नाम था? दो आदमी को नहीं पहचाने। अच्छा, दो आदमी को नहीं पहचानते हैं। कोई विवाद था आपसे क्या? जमीन विवाद था पहले से। जमीनी विवाद है जी। क्या हुआ आपको, कौन चीज से मार लिया लोग? सर, गोली आया, आज बोले घर जाइए तो अंधाधुन फायरिंग करने लगा, उसी के दौरान एक गोली यहाँ पे सर आपके जांग में लगा, एक गोली जी। कब की घटना है, कितने बजे? कल रात लगभग 10 बजे।